हाय गाइस, तो आज मैं आ चुका हूँ कुछ पहाड़ी लोकेशन पर जो आप देख सकते हो। और मैं बहुत दिन से फोन से फोटोशूट वीडियो नहीं बनाया, तो मैं सोचा कि इस लोकेशन पर कुछ फोन से फोटोज क्लिक करके देखता हूँ कैसा होता है। और जो फोन है वो मेरा एंड्रॉइड फोन है, जो आप देख सकते हो। मेरा जो फोन है उसी से मैं करने वाला हूँ, ठीक है। और मैं कैमरा सेटिंग में आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। मोड सेटिंग पर जाने के बाद इधर आपको दिखने को मिलता है प्रो मोड, तो प्रो मोड पर जाकर इधर जो आपको दिख रहा है जेपीजी, तो इसको मैं रॉ कर लूँगा और इस सेटिंग में फोटो क्लिक करूँगा, ठीक है, जो आप सेटिंग देख सकते हो। तो मैं पहले कुछ इसी रूट पर पोज करके देखूंगा कैसा होता है, एंड लास्ट में मैं आपको एडिटिंग भी दिखा दूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना। तो चलो पहले मैं इस जगह एक पोज करके देखता हूँ कैसा होता है। पहले तो हम फोटो क्लिक करेंगे, इस जगह बैठकर फोटो क्लिक करेंगे, और जो बैकग्राउंड होगा कुछ नेचुरल टाइप बैकग्राउंड होगा जो आप देख सकते हो। एंड अमित, फोन को उल्टा करके फोटो क्लिक करना, कुछ इस तरह से पोज करूंगा जो आप देख सकते हो। तो फोटो देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एंड जो हमारा नेक्स्ट फोटो होगा, इस जगह आप देख सकते हो पीछे के साइड थोड़ा हाईलाइट है, तो इस जगह मैं एक बैठकर पोज करके देखता हूँ कैसा होता है। फोटो देखते तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, क्योंकि पीछे का साइड हाईलाइट है, जिस वजह से फोटो अलग ही लेवल की हुआ है। अभी हम नेक्स्ट और कुछ फोटो क्लिक करेंगे उस साइड, तो हम उधर देखते हैं। नेक्स्ट लोकेशन है जो आप देख सकते हो, इस जगह मैं फोटो क्लिक करूंगा, एंड इधर क्लिक करके देखता हूँ कैसा होता है। एंड कुछ ऐसे पोज होगा, देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एंड जो नेक्स्ट हम पोज करेंगे इस जगह करेंगे, लोकेशन एक बार दिखा दो, ठीक है। और उस साइड आप देख सकते हो शूट चल रहा है। ओके, हमारा तो लास्ट पोज हो रहा है, इस जगह हम करेंगे, देखते हैं कैसा होता है। Our rate is rising, some call it scare. You'll feel the chill start raising your hair. You'll feel the chill start raising your hair. It's too late, you're here now. I hope that. ओके, ऑलरेडी मैं फोटो लाइटरूम पर शेयर कर चुका हूँ जो आप देख सकते हो। और मेक श्योर आप जब भी फोटोज क्लिक करो आप रॉ फोटोज क्लिक करना, जिससे क्या होगा जो आपका क्लैरिटी है ना वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आप देख सकते हो इसमें क्लैरिटी जो है ना एकदम कैमरे की तरह क्लैरिटी है, तो आप रॉ फोटोज हमेशा क्लिक करना। और इसमें एडिटिंग करने के लिए पहले मैं क्या करूँगा, इधर से ऑटो कर लूँगा, इस साइड आप देख सकते हो इधर ऑटो दिख रहा है आपको, ऑटो कर लेता हूँ। तो ऑटो करने के बाद इस फोटो में ब्राइटनेस बहुत ही कम हो चुका है, इसके लिए हम जाएंगे लाइट पर। इधर आप लाइट दिख रहा है, लाइट पर जाऊँगा। लाइट पर जाने के बाद एक्सपोजर इधर बहुत माइनस कर चुका है, तो अभी इसको थोड़ा प्लस करूँगा। प्लस करने के बाद इतना कर देता हूँ, अभी ठीक ठाक है। एंड शेडो को थोड़ा इंक्रीज कर दूँगा, थोड़ा 54, ठीक है। इतना करने के बाद ब्राइटनेस थोड़ा बहुत ठीक हो चुका है, अभी इसको कर देते हैं डन। डन करने के बाद फोटो को थोड़ा करेंगे जूम। जूम करने के बाद फोटो में जो भी दाग वगैरह है वो सब रिमूव करना है, उसके लिए जाएंगे हीलिंग टूल पर। एंड जो भी दाग है और साइज़ वगैरह वो अपने हिसाब से देख लेना, आप साइज़ देख सकते हो। एंड ऑपेसिटी, फेदर, ये सब आप चेक कर लेना, ठीक है। इतना करने के बाद अभी दाग में बस टैप करूँगा, करने के बाद कुछ इस तरह से रिमूव हो जाएगा दाग, जितना भी है सब रिमूव हो जाएगा। और इधर भी एक दाग है, ये सब रिमूव कर लेता हूँ। बस यही दो दाग है, तो इसको डन कर देता हूँ। तो अभी जाऊंगा सिलेक्टिव पर। सिलेक्टिव पर क्लिक करने के बाद इधर जो आपको प्लस दिख रहा है, प्लस पर क्लिक करना है। एंड इधर जो ब्रश दिख रहा है ना, ब्रश पर क्लिक करूंगा, और ब्रश पर क्लिक करके बढ़िया उससे ब्रश कर लूंगा। और फेस को थोड़ा स्मूथ करने के लिए ब्रश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे आपको ब्रश कर लेना है एकदम बढ़िया से, और इस साइड थोड़ा ज़्यादा चला गया, तो बढ़िया से ब्रश कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। बस ऐसे आपको ब्रश कर लेना है, ऐसे आपको ब्रश कर लेना है, ठीक है। आप चाहो तो गर्दन में ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, चेस्ट में कर सकते हो, अगर आपको इस जगह भी स्मूथ चाहिए ना तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अभी डायरेक्ट जाऊंगा इफेक्ट पर। इफेक्ट पर जाने के बाद इधर जो आपको टेक्सचर दिख रहा है, टेक्सचर को पूरा ऐसे माइनस कर देना है। इतना करने के बाद जो फेस है वो बहुत ही स्मूथ हो चुका है, देख सकते हो। ये जो स्मूथ है ना, ये रियलिस्टिक स्मूथ है, मतलब इतना फेक जैसा भी नहीं लगेगा, प्लास्टिक जैसा भी नहीं लगेगा, थोड़ा रियलिस्टिक फील आएगा, तो ऐसा होगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद फिर से मैं प्लस पर क्लिक करूंगा। प्लस पर क्लिक करके इधर जो रेडियल ग्रिड लाइन दिख रहा है, रेडियल ग्रिड लाइन लूंगा। एंड इस पर फेस भी, फेस पर ऐसे आपको रखना है, रखने के बाद कुछ इस तरह से रखना है, ठीक है। रखने के बाद फिर से जाऊंगा लाइट पर। लाइट पर जाकर एक्सपोजर को थोड़ा इंक्रीज करूंगा, एंड इधर से शेडो को थोड़ा इंक्रीज करूंगा, जैसे कि 14, ठीक है।
इतना करने के बाद व्हाइट को थोड़ा इंक्रीज करूँगा 12, ठीक है। कुछ इस तरह से करने के बाद अभी टैप करके डाउल करूँगा और एक रखूँगा इधर, ठीक है। और एक टैप करके डाउल कर देता हूँ, हैंड पर रख देता हूँ इस हैंड पर, ठीक है। इतना करने के बाद ये कर देता हूँ डन। ओके, डन हो चुका है। अभी देखो हमारा जो फोटो है, ओवरऑल फोटो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। अभी नेक्स्ट हम फिर से सिलेक्टिव पर जाएंगे, सिलेक्टिव के जितने भी काम है वो सब कंप्लीट कर लेंगे प्लस पर जाकर। एंड लाइनर जो ग्रे लाइन है ये हम लेंगे एंड इधर नीचे के साइड रखेंगे कुछ इस तरह से। ऐसे रखने के बाद बस जाएंगे लाइट पर एंड एक्सपोजर को थोड़ा कम कर देंगे कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो। अगर आप कुछ इस तरह से नीचे के साइड शेडो डालते हो तो इससे क्या होता है, जो मेन फोकस होता है वो हमारे फेस में होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको नीचे के साइड थोड़ा शेडो डालना है। ओके, इतना क्लियर हो चुका है। तो अभी हम जाएंगे कलर टूल पर। कलर टूल पर जाने के बाद जाएंगे मिक्स कलर एंड पहले जाएंगे हम ग्रीन कलर। ग्रीन कलर क्या है, बैकग्राउंड है। तो ग्रीन कलर पर जाकर सेचुरेशन को थोड़ा कर देंगे माइनस कुछ इस तरह से एंड ह्यू को कर देंगे थोड़ा प्लस कुछ इस तरह से, देख सकते हो, कुछ इतना रख देंगे। तो हमारा बैकग्राउंड कुछ इसी टाइप के होगा। एंड येलो की सेचुरेशन को थोड़ा माइनस करेंगे। करने के बाद जो हमारा बैकग्राउंड है वो ग्रीन भी नहीं है, थोड़ा ग्रीन से थोड़ा सेचुरेशन को कम कर दिया क्योंकि उतना ग्रीन भी अच्छा नहीं लगता। अभी देख सकते हो बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी जाएंगे हम फेस टोन जो है ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज पर जाकर लेमिनेंस को थोड़ा इंक्रीज करेंगे कुछ इस तरह से, देख सकते हो। लेमिनेंस को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, इससे क्या हो रहा है, जो हमारे फेस की ब्राइटनेस है ना वो और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, देख सकते हो। कुछ इस तरह से इंक्रीज करूँगा एंड सेचुरेशन को थोड़ा माइनस करते हैं। अभी हमारा फेस थोड़ा रेड रेड है तो ह्यू को थोड़ा प्लस करते हैं जिससे हमारा फेस थोड़ा येलो येलो टाइप की होगा, जो दिखने में स्किन टोन बहुत ही बढ़िया लगेगा, ठीक है। अभी जाएंगे रेड कलर एंड इसमें भी लेमिनेंस को थोड़ा प्लस करेंगे, थोड़ा प्लस करेंगे, देख सकते हो, जैसे कि 22, ठीक है। एंड ह्यू को थोड़ा प्लस करेंगे एंड सेचुरेशन को भी थोड़ा प्लस करेंगे, इससे हमारा लिप्स के कलर भी थोड़ा आ जाएगा सेचुरेशन से, ठीक है। इतना करने के बाद हमारा जो फोटो है ना वो काफ़ी हद तक बन चुका है। तो अभी कर देंगे डन। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसमें करना है कलर ग्रेडिंग, ठीक है। तो कलर ग्रेडिंग करने के लिए बस कलर टूल पर जाएंगे एंड कलर ग्रेडिंग पर जाएंगे एंड पहले जाएंगे शेडो पार्ट पर, ठीक है। पहले शेडो पार्ट पर है ऑलरेडी, तो इधर से हम जाएंगे सेचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। इतना करेंगे एंड ह्यू को थोड़ा चेंज करके हम ब्लू के टाइप लेंगे, इधर है ब्लू की तरफ लेंगे, ठीक है। ब्लू गया, अभी नेक्स्ट जाएंगे हम हाईलाइट। हाईलाइट पर जाकर सेचुरेशन को थोड़ा प्लस करेंगे जैसे कि 20 एंड ह्यू को कर देंगे ग्रीन की तरफ, ठीक है, ग्रीन की तरफ। अभी देख सकते हो हमारा जो फोटो है वो काफ़ी हद तक बढ़िया लग रहा है। अभी नेक्स्ट हमारा जो लास्ट काम है ना वो आपको जाना है डिटेल पर, ठीक है। डिटेल पर जाकर जो शार्पनिंग है ना इसको कर देना है जैसे कि 69 ऐसा कर देना है एंड मास्किंग को कर देना है जैसे कि 70, ठीक है। इतना करने के बाद जो नॉइस रिडक्शन है ना इसको कर देना है 23 ऐसा ही कर देना है। पढ़ने के बाद जो हमारा फोटो है वो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लग रहा है एंड कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा प्लस कर देते हैं जिससे हमारा फोटो में थोड़ा फैट फैट सा लग रहा है, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा प्लस कर देते हैं। अभी हमारा फोटो काफ़ी हद तक बढ़िया लग रहा है, आपको एक बार बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ। अब बिफोर देखो एंड आफ्टर देखो, बहुत ही गजब लग रहा है भाई, बिफोर एंड आफ्टर। अगर आपका फोटो क्लैरिटी ख़राब हो तो ऐसे एडिटिंग करने के बाद, सेव करने के बाद बस रिमेनी कर लेना, ठीक है, क्लैरिटी भी ठीक हो जाएगा। तो गाइस ये थी फ़ोन से क्लिक किया हुआ कुछ फोटो एंड एडिटिंग। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और इस चैनल में अगर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसी और एक वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।